कलेक्टर श्री दीपक आर्य की अध्यक्षता में जिला पशु कल्याण एवं गोसंवर्धन बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बोर्ड के सदस्य विधायक श्री टामलाल सहारे, पूर्व विधायक श्री भागवत बाऊ नागपुरे, जिला पंचायत की कृषि समिति के सभापति डॉक्टर विजय खेरे और श्री गोकुल गौतम, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर विनोद वाजपेयी एवं सभी विकासखंड के पशु चिकित्सक उपस्थित थे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में जिला पशु कल्याण एवं गो संवर्धन बोर्ड की आयव्यय की ब्यौरा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान बैठक में विधायक श्री टामलाल सहारे ने कहा कि आवारा मवेशी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन पशुओं के कारण यात्रियों एवं वाहन चालकों के साथ दुर्घटनाएं भी हो रही है। तिरोड़ी में 100 से 150 आवारा पशु आसपास के खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका उचित इंतजाम किया जाए। श्री सहारे ने किसानों एवं पशुपालकों के पशुओं को संक्रमक बीमारियों से बचाने के लिए शीघ्र टीकाकरण करने की आवश्यकता भी बताई। कलेक्टर ने जानकारी दी कि जिले में 5 स्थानों पर गौशाला बनाने का कार्य चल रहा है। ग्राम पिपरझरी, घड़ी, बुदना, कटेद्रा एवं बिठली रामपायली में गौशाला निर्माण के लिए प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की जा रही है। वर्षा ऋतु के बाद इनका काम प्रारंभ कर दिया जाएगा।